ये पार्वती है। मंदिर के द्वार पर खड़े रहना और श्रद्धालुओं के आगे हाथ फैलाकर विनती करना, बाबू अंधे पर कुछ दया हो जाए। ये जानती है कि मंदिर में आने वाले नेक दिल और श्रद्धालु हुआ करते हैं। इसका यह अनुमान असत्य भी नहीं है। आने जाने वाले दो चार पैसे इसके हाथ पर रख ही देते हैं। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी भलमनसाहत को सराहती। इसी वजह से सालों साल से चल रहे इस नियम से मंदिर की चौखट पर आने वाली ये अंधी भिखारिन पार्वती कभी निराश नहीं लौटी। इसके लिए तो ईश्वर न जाने कितने रूपों में आकर इसकी खाली झोली भरता है। सुबह से शाम तक ये इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। इसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी टेकती अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ जाती। इसकी झोपड़ी भी नगर से बाहर है। रास्ते में भी याचना करती जाती, किंतु पथिकों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्रों वालों की होती, जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियां देना अधिक पसंद करते। तब भी अंधी निराश न होती और इसकी याचना बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते भी इसको दो चार पैसे और मिल ही जाते। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही एक 7 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और इस अंधी भिखारिन से चिपट जाता। अंधी टटोल कर उसके मस्तक को चूमती। ये बच्चा कौन है, किसका है, कहां से आया, इस बात से कोई परिचित नहीं। 5 वर्ष पहले तक तो पास पड़ोस वालों ने पार्वती को अकेला ही देखा था। एकाएक उन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने इसकी गोद में एक बच्चा देखा। वो रो रहा था। अंधी पार्वती उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। ये कोई असाधारण घटना नहीं थी, अतः किसी ने भी नहीं पूछा कि यह बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास है और प्रसन्न है। पार्वती बच्चे को अपने से अच्छा खिलाती है और पहनाती है। अब दोनों माँ बेटा खुश हैं। भैया बुद्धन, दिन भर बेचारा अपनी अम्मा का इंतजार किया करता है। अरे यही तो अंधी की आंखों का उजियारा है। हाँ भैया सही है। भगवान भी बड़ा कारसाज है, बस दोनों को सलामत रखे। हमारा, अरे अपने बच्चे के लिए गरम गरम खाना बना रहे। गरम गरम खाएगा बच्चा। आई बता, अम्मा जाने के बाद क्या कर रहा था वह बच्चा? आज तुम खाना बना के गई थी। हाँ? हम खा के फिर सो गए। और के बाद? उसके बाद जब तुम चली जाती हो तो फिर हम उब जाते हैं। काहे उब जाता बच्चा हमारा है? अरे बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाया कर। नहीं माँ, खेलना नहीं। काहे, कहाँ सोच रहा है, बोल। अम्मा, हम सोच रहे कि हम भी आपके साथ चलेंगे, आपके काम में हाथ बटाएंगे। ना बच्चा ना, तुम नहीं। अरे हम भीख मांग रहे हैं तुम्हारे लिए बच्चे। हम अंधी हैं, हमारा बच्चा किसी के आगे हाथ फैलाई हमसे बर्दाश्त ना होएगा। ना मेरा बच्चा, अरे तू तो बड़ा होके बड़ा आदमी बनेगा, बड़ा सेठ बनेगा। बचवा आ।
देख बचुआ अम्मा कितना लाई पैसा। अम्मा हंडिया भर गई। हाँ हंडिया भर गई। उठा, उठा पैसा उठा। हाँ पूरी हंडिया भर गई। अच्छा ये बचुआ अब कहाँ रखी है का? अंथी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी छुपा रखी थी। सुबह से शाम तक जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती। वो उसे सबसे छिपा कर रखती कि कहीं किसी दूसरे व्यक्ति की दृष्टि उस पर न पड़ जाए। खाने के लिए अन्न काफी मिल जाता था, उससे काम चलाती। भगवान इसकी रक्षा करे। देखा बचुआ कितना अम्मा पैसा लाई, हंडिया भर गई। अब हमारा बचुआ अच्छा अच्छा खाना खाएगा, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनेगा। क्या खाएगा बचुआ हमारा? ले ले अम्मा के ऊपर ले। क्या खाएगा बता बता, क्या खाएगा? राजा बाबू बनेगा बड़ा होके सेठ। हंडिया में इतना पैसा है किसी को बताना ना है। मुनियम जी, सेठ जी कब तक आएंगे? बैठो यार, आते ही होंगे ना, ठीक है ना? सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। बच्चा बच्चा इनसे परिचित है। ये बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा हैं। धर्म में इनकी बड़ी रुचि है। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में संलग्न रहते। उनके घर पर हर समय भीड़ लगी रहती। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बना रहता जो अपनी जमा पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखने आते। सैकड़ों भिखारी भी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते। अंधे को भी ये बात ज्ञात थी, किंतु पता नहीं अब तक वो अपनी कमाई यहां जमा करने से क्यों हिचकती रही। उसके पास काफी रुपए हो गए थे, हांडी लगभग पूरी भर गई थी। अब उसे शंका थी कि कहीं कोई उसे चुरा न ले। हे भैया, हे बाबू, सेठ जी कब आएंगे? तुम नहीं जानती? सेठ जी को बच्चा बच्चा जानता है। हम जानती हैं, लेकिन सेठ बनारसी दास रुपया इन्हें जमा करते। हमको जब भी जरूरत पड़ती है हम उनसे उधार ले लेते हैं। आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। बड़े ईमान वाले आदमी हैं सेठ जी। चलो, ये ठिकाना अच्छा मिल गया। यहाँ अपनी कमाई सलामत रहेगी। आप लोग शांत हो जाइए, आराम से बैठिए, ठीक है ना? अरे 12 बजने को है, पूजा अर्चना कर रहे हैं, आते ही होंगे, ठीक है ना? सरकार, अरे अरे लाइन में आओ, लाइन में। अरे सरकार सबसे मिलेंगे, सबकी सुनेंगे, ठीक है ना? मुनीम जी, ये 12 आने हैं। नाम क्या है तुम्हारा? रहमतुल्ला। पहले भी 15 आने जमा कर चुके हैं। अच्छा, चलो नमस्ते, जमा हो गए। ए बूढ़ा, क्या है तेरे पास? इलो सेठ जी। अरे इसमें क्या है? अरे सेठ जी, इसमें हमारी जिंदगी की पूरी कमाई है, भीख मांग मांग कर जमा की है सेठ जी। अरे तो खर्च क्यों नहीं करती? क्या सारी जिंदगी जमा ही करती रहोगी? अरे हम मंदी भिकारी कहाँ खर्च करेंगे मालिक। ई तो हम अपने बच्चे के लिए जोड़े हैं, जमा किए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, ये बता तेरा बच्चा कितने साल का है? अब हम मंदी कहाँ बताएं, यही कोई 7-8 साल होगी मालिक। कमाल है,
अपने बच्चे की सही उम्र भी नहीं जानती हो। जानती है? पूरे पूरे 7 साल का है मालिक। अच्छा ठीक है, इसे मुनीम जी के पास जमा कर दो। ठीक है मालिक। मुनीम जी। जी मालिक। इस बुढ़िया के पैसे गिन करके वही खाते में दर्ज करो। जी मालिक। इले बचवा। नाम क्या है? हमारा नाम बाबू पार्वती है। पार्वती। पता? पता वो हमीरपुर गांव है ना बाबू, उसके बाहर मंदिर है, वहीं पे छोटी सी झोपड़ी है। ठीक है जाओ, तुम्हारा पैसा जमा हो गया। ठीक है देख लियो, गिन के जमा कियो। ठीक है जाओ जाओ, तुम्हारा काम हो गया। भगवान तुमका भला करे, सलामत रहो, बच्चे जिए। छोटी सी दुनिया, छोटे से सपने, जहां संतोष होता है वहां सुख होता है, और यही सुखों की पूंजी पार्वती की धरोहर थी। तभी तो सेठ जी के पास अपनी कमाई जमा करने के बाद वो निश्चिंत थी। मेरे चंदा, ओ मेरे लाल, मेरी आँखों का जिया, मेरे बेटे, ओ मेरे लाल, ला ला ला।
और देखते देखते एक बरस कैसे पंख लगाकर उड़ गया और फिर ओम क्रीम क्रीम चमुंडाए नमः, ओम क्रीम क्रीम चमुंडाए नमः, ओम क्रीम क्रीम चमुंडाए नमः। ए भैया देखो देखो वो बच्चा बीमार है, ओम क्रीम क्रीम चमुंडाए नमः। बुखार में तप रहा है, अंगार जैसा तप रहा है। ए बचुआ उठ, आँख खोल, कुछ तो बोल। ओम क्रीम क्रीम चमुंडाए नमः, ओम क्रीम क्रीम चमुंडाए नमः। अरे बैद से दवा लाई थी, कुछ कुछ फायदा नहीं हुआ। बाबा कुछ फायदा होगा ना? अरे तीन चार दिन से बच्चा बुखार में तड़प रहा है बाबा। ओम क्रीम क्रीम चमुंडाए नमः, ओम क्रीम क्रीम चमुंडाए नमः, ओम क्रीम क्रीम चमुंडाए नमः, ओम क्रीम क्रीम चमुंडाए नमः। कुछ तो बोल ना, कुछ खाते ना पिए ना बोलते बचुआ। ए बचुआ ए मुन्ना, अरे तुमने चुप्पी हमारे करे जाची रहते। अरे कुछ तो बोल, उठ बेटवा उठ। हे परमात्मा, इतना जुलम ना करो परमात्मा, आंखन की रोशनी तो पहले ही छीन लिए थे, अब जिंदगी की रोशनी ना छीनो परमात्मा, ऐसा ना करो। चमुंडाए नमः, धीरज धरो पार्वती, सब ठीक हो जाएगा पार्वती। बेटिया हमने इस बच्चे में अपना तंत्र मंत्र फेर दिया है, अब आगे काली माई की इच्छा। पार्वती, ये सब ससुरे होते हैं ढोंगी, हमरी मानो तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। अरे मुन्ना ठीक हो जाएगा, हाँ थोड़ा पैसा जरूर खर्च होगा। अरे पैसा काका भैया, पैसा तो हाथ की भीख होती है। अरे ये बचुआ हमारी जिंदगी है, हमारी जान है, हम सब पैसा खर्च कर देंगे, ना चाहिए ऐसा पैसा, कहा करेंगे ऐसा पैसा लेके। बस हमारा बचुआ अच्छा हो जाए। ए बचुआ बचुआ आँखों और बेटवा। लड़के का ज्वर बढ़ता जा रहा था, अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूंक से भी काम लिया, तोने टोटके का सहारा लिया, परंतु सारे प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। लड़के की दशा बिगड़ती गई, अंधी का हृदय टूट गया, साहस ने जवाब दे दिया, वो निराश हो गई। फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वो गिरती पड़ती सेठ जी के घर जा पहुंची। सेठ जी घर पर ही उपस्थित थे। अरे भाई कितनी बार मना किया कि हमारे पांव हम अच्छा करो, चलो बैठो। मुनीम जी देखो जरा इन लोगों का क्या हिसाब किताब है। जी मालिक। अरे सेठ जी, अरे ओ सेठ जी, हमारी एक अरज सुन ले सेठ जी। ए बुढ़िया लाइन में आ, लाइन में। अरे लाइन में आने का वक्त नहीं है भैया। अरे लाइन में आओ। अरे हमारा बच्चा बीमार है, उसकी जान पे बनी है, हमको चाय दे, एहसान हुई तुम्हारे। सेठ जी सेठ जी, हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, हमारे बच्चे की जान भी बनी है। हमसे क्या चाहती हो? सेठ जी हम आपके पास थोड़े वक्त पहले पैसा जमा किए रहे, वो हमको मिल जाता तो। हमारे पास? हमारे पास क्या जमा कर गई थी? मालिक एक हंडिया रही, वो पैसा रहा। ए बूढ़ा क्या बकवास कर रही है, हमारे पास तेरी कोई हंडिया हंडिया नहीं है, चल निकल यहाँ से, निकल। नहीं दुहाई है सरकार की, हम सच्ची कहा तो सरकार, ऐसा ना कहो, हमारा बच्चा बीमार है, हमें पैसे की सख्त जरूरत है। मनीष जी, मालिक ये बूढ़ा क्या हंडिया हंडिया के बारे में बक रही है, जरा देखो तो। ए बूढ़ा क्या नाम है तेरा? पार्वती, पार्वती नाम है। मनीष जी देखो जरा पार्वती के नाम से क्या लिखा है।
जी मालिक। जैसा सुने रहे वैसे ही पाए, एकदम धर्मात्मा है। अरे ठीक है बस बस खड़ी रहो चुप है। मालिक, पार्वती नाम की बुढ़िया का बही में तो एक भी रुपया नहीं जमा। ऐसा कैसे कह रहे हो? अरमोनी जी ठीक से देखो, मैं जमा पैसा माफ जिंदगी भर की कमाई जमा, फिर से देखो। अरे लिखा तो तब होगा ना जब तुमने जमा किया होगा। कहे ने लिखा? हम लिखा है कहा, हम झूठ बोल रही हैं? अरे हम झूठ बोलो तो कोर हो जाए सरकार, जवान जाए, हमारा बच्चा बीमार है, पैसे की सख्त जरूरत है। तो क्या हमने ठेका ले रखा है? चल भाग यहां से निकल। अरे सेठ भगवान से डरो, भगवान से डरो सेठ, हमारा बच्चा बीमार है। अरे परमात्मा के नाम पे थोड़ा सा दे दो सरकार, हमारा बच्चा बच जाएगा। अगर डॉक्टर के पास नहीं गया तो हमारा बच्चा मर जाएगा। हम तुम्हारी गुलामी करेंगे, मैं पूजा करेंगे सरकार, पैसा दे दे। इन लोगों ने भीख मांगने का नया तरीका निकाल रखा है। ए बोड़ा, तू यहां से जाती है, नौकरों को बुलवाऊं, निकल। अरे हम तो लुट गए सरकार, लुट गए, हमारा बच्चा। अनिल जी बुलाओ लठैतों को, निकाल इसको। गोपाल, लखन, आओ जरा सा। ए सरकार, अरे हम चाहे परिवार तुम्हारा सलामत रहे, अरे तुम्हारे बच्चे जिए, तुम्हारे बच्चे जिए, जाए थे से खुश रहो, खुश रहो। अरे पार्वती, ओ पार्वती। कौन? लखी भैया। मिल गवा पैसा? पैसा भी गवा है? विश्वास भी गवा। क्या कह रही हो? अरे अरे उस सेठ बेईमान निकला। सुनते तो है बड़ा धर्मात्मा है। सुना ही करो, अरे जिनका कोई धर्म नहीं कोई आत्मा नहीं वो धर्मात्मा होंगे। तो अब मोहन का इलाज? लखी भैया, इलाज हम गरीबन का हक नहीं, वो अमीरन का शौक है। अरे हम गरीबन के नसीब में तो तड़प तड़प के मरना लिखा है। अरे वाह, तो तुम अपना पैसा ऐसे कैसे छोड़ सकती हो? तुम अपना पैसा मांगने गई थी, अपना कोई भीख नहीं। ए लखी भैया, अरे हम बूढ़ी जाए कहाँ करती, वो भी अंधी। अरे तो वही सर पटक पटक के अपनी जान दे देती, क्योंकि मोहन के बिना तो वैसे भी मर जाओगी तुम। तुम यहाँ चली कैसे आई? ठीक करो लखी भैया, ठीक करो लखी भैया। हे लखी भैया, अब हम ना हारब, हम ना हारब, अपन हक लेकर रहेंगे, अपन हक लेकर रहेंगे। चलो बच्चों को उठा, उठा, चलो आ। अरे वो धर्मात्मा कहाँ हो? अरे हमारे बच्चे को देखो, अरे अरे बुखार में जल रहा है, अरे देखो कुछ राहत करो। अरे अरे वो सेठ, हमारा बच्चा,
माँ बच्चा मर जाएगा। अरे अरे उसे, अरे अरे माँ बच्चा मर जाएगा। अरे कोई है? अरे ये क्या तमाशा लगा रखा है? हैं? अच्छा, अरे हमारी मुसीबत तमाशा और तुम्हारा पर दुख पड़े तो बिपता है? जाती है कि बताऊं? अब ना जाए, अब जाए तो ऊपर जाए, चाहे जान चली जाए पर यहाँ से ना टिकेंगे। चल चल निकल, चल यहाँ से, चल नहीं जाएंगे। अब बच्चा, अब बच्चा, अब हमारा पैसा दे दे। अरे चल चल, अरे छोड़, अरे छोड़ छोड़, अब बच्चा मर जाएगा। अरे चोर चक क्यों ना कहे, अरे अरे हम अपना बच्चा ना छोड़ेंगे। ए बूढ़ा, चल क्या हंगामा कर रही है? चल सर, ये बच्चा बच्चा मर जाएगा। बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? हटा बच्चे को। बच्चा भी बाहर। हटा। मोहन, निशान भी वही। मेरा मोहन, तो मेरा मोहन है। मेरा मोहन मुझे मिल गया। मेरा बच्चा मुझे मिल गया। मेरा बच्चा मुझे मिल गया। मेरा बच्चा मिल गया। नहीं नहीं नहीं, ये माँ बच्चा, ये माँ बच्चा सेठ जी। अरे हमने खून पसीना से पाला है सेठ जी, ये माँ बच्चा है। ये मेरा बच्चा है, 5 साल पहले खो गया था, आज मुझे मिला। मगर इस हालत में हम खून पसीना से पाला है। छोड़ छोड़ सेठ जी, लड़ना करो सेठ। तेरे बुखार में तप रहा है। अरे अरे माँ बच्चा, जी लड़ना करो सेठ। अरे बूढ़ा, इसे छोड़। अरे इसे डॉक्टर के दिखाना है। मैं हर जतन करूंगा इसे बचाने के लिए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अरे जितना पैसा खर्च होगा मैं खर्च करूंगा। अरे से, अरे से, अरे तुम्हारा बच्चा है, लाख जतन करके बचाओगे? अरे हमारा बच्चा तो मर जाने देते। अरे यही नहीं आए हैं? अरे सेठ कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ तो रहम करो, मर जाएगा हमारा बच्चा। कहाँ लेगा हमारा बच्चा, कहाँ लेगा हमारा बच्चा? ए लकी भैया, ए लकी भैया, हमारा बच्चा मर जाएगा। लकी भैया शांत हो जा पार्वती, मत रो पार्वती। अरे ले जाने दे सेठ को। अरे सेठ मोहन को अच्छे डॉक्टर को दिखाएगा। अरे अच्छा डॉक्टर इलाज करेगा तो मोहन जल्दी ठीक हो जाएगा पार्वती, और जल्दी से खेलने कूदने लगेगा पार्वती। मत रो पार्वती, ले जाने दे सेठ को, ले जाने। अच्छा चल चोट। अरे कीरे परे, अरे चल पार्वती चल। मत रो पार्वती, मत रो। डॉक्टर साहब अब क्या हाल है? फायदा तो लग रहा है। तेरा लाख लाख शुक्र। बच्चा, हम उन्ना अब बच्चा ठीक हो जाए। बच्चा, बच्चा, ए बच्चा, ए मार बच्चा, प्रभु की कृपा हुई या दवा ने जादू का सा प्रभाव दिखाया, मोहन का ज्वर तो उतर गया, मगर होश आने पर जब उसने आंख खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जुबान से निकला, मेरी
बेटे वो आपकी अम्मा नहीं, आपकी अम्मा ये है। हाँ ये कैसे हो बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। बेटा तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हारा इलाज चल रहा है। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। चारों ओर अपरिचित शक्लें देखकर उसने फिर अपने नेत्र बंद कर लिए। डॉक्टर साहब, इसका तो बुखार फिर तेज हो रहा है। ज्वर फिर अधिक होना आरंभ हो गया। उसने माँ माँ की रट लगाई हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए। चारों ओर अंधेरा गहरा गया था। बनारसी दास जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका बुखार कम क्यों नहीं हो रहा है, जबकि सारी दवाएं और इलाज बिल्कुल सही है। क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों के बाद मिला भी तो मृत्यु उसको अपने चंगुल में दबा रही है, इसे कैसे बचाऊं। सहसा उनको अंधी का ध्यान आया। एक काम करिए, आप बाहर जाके देखिए, वो बूढ़ा बाहर तो नहीं बैठी। डॉक्टर साहब, मेरा एक ही बेटा, आप इलाज में कोई कसर न छोड़ रखी। डॉक्टर साहब, मेरा एक ही बेटा। सेठ जी ने गाड़ी तैयार कराई और बस्ती के बाहर उसकी झोपड़ी ढूंढने जा पहुंचे। अरे भैया, वो अंधी भिकारम बुढ़िया कहाँ रहती है? उनका नाम पार्वती है साहब। हाँ हाँ, वही पार्वती। याद आ गया ना, अब का लेने आए हो? अरे मर तो वो ऐसे ही रही है। भैया, पार्वती कहाँ रहती? मुझे वहां ले चलो भैया। भैया मुझे पार्वती के घर ले चलो भैया। कहाँ है, अब का काम आएगा वो? भैया उसका बच्चा बहुत बीमार है। उसका बच्चा बहुत बीमार है, मुझे उसके घर ले चलो भैया, मुझे उसके घर ले चलो। चलो साहब। सेठ जी झोपड़ी पर पहुंचे, देखा अंधी पार्वती एक चारपाई पर है और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। मैं सेठ बनारसी दास का, सेठ बनारसी दास, अरे सेठ हमारा बच्चा तो ले लिया, अब कहाँ है हमारे पास, कहाँ है? पार्वती, तेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर निराश हो गए, बच्चा रो रो कर तुझे पुकारता है, अब तू ही उसकी जान बचा सकती। चल चल, और मेरे बच्चे नहीं, मेरा नहीं, अपने बच्चे की जान बचा ले चल के। अरे सेठ, मरता है बच्चा तो मर जाए। नहीं।
मैं भी मर रही हूँ यार, मैं भी मर रही हूँ से। अरे हम दोनों उस स्वर्ग लोक में माँ बेटे की तरह मिलेंगे। इलोक में बहुत दुख मिला उसको से, मगर वहाँ बहुत सुख मिलेगा। हम उसकी खूब सेवा करेंगे, अपने बच्चे की खूब। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर न झुकाया था, पार्वती, किंतु इस समय अंधी के पांव पर गिर पड़े। ममता की लाज रख ले, वो तेरा भी बच्चा है। ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया। बच्चा मेरा, तेरे जाने से मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। बच्चा मेरा बच्चा, हाँ तेरा बच्चा, मेरा बच्चा, हाँ तेरा बच्चा। चल पार्वती, चल, तेरे जाने से मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। चल गॉड, 104 बुखार, दवाओं का तो असर ही नहीं हो रहा है। हाँ पार्वती, बचुआ, तुम्हारा बचुआ है बचुआ तुम्हारा? कहाँ है बचुआ? ये तुम्हारा बचुआ पार्वती, आराम से पार्वती। ए बचुआ कहाँ है, कहाँ हुआ? अरे आँख खोल बचुआ, देख, ए बेटुआ, आँख खोल बच्चा, बोल बच्चा, उठ बेटा, उठ, देख तेरी अम्मा आई है, उठ बेटा, उठ, ए बेटा, उठ बेटा, आँख खोल बच्चा, बोल बच्चा, कहाँ की हो सेठिया, बोल बच्चे की ना, कहाँ की हो, बड़ा तेज बुखार है। चले गए तू, सेठ जी बुखार कम हो रहा है। जो काम हकीमों के जुशांदे, वैद्यों की पुड़ियों और डॉक्टर के मिक्सर न कर सके, वो अंधी की ममता मई सेवा ने पूरा कर दिया। भगवान का शुक्र, कौन है बच्चे के बाद, कौन है तुम्हारा ये एहसान हम नहीं उतार पाएंगे। पार्वती जब तुम चली जाओगी तो बच्चा फिर से बीमार हो जाएगा। कुछ नहीं होगा सेठ। अरे ये हमारा बच्चा जब होएगा तो हमको बुला देना, वो हमारा बच्चा, वो हमारा बच्चा है सेठ। अगर ऐसा होएगा ना तो हम समझा देंगे, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। पार्वती रुको, पार्वती ये रुपा बती, ये तुम्हारे रुपए, तुम्हारे रुपए। कहाँ से?
रही जिंदगी भर की भीख मांग मांग करके कमा। अरे हम अंधी भिखारी क्या करेंगे का? अरे ये तो हम अपने बच्चे के लिए रख करा जो, जो हम अपना बच्चा तुमको सौंप दिया से और इस तरह पार्वती चल पड़ी अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी सेठ को दान कर। सालों से पाला अंधी आंखों का तारा बेटा और पेट काट काट कर पाई पाई जोड़ा वो धन अपना सब कुछ त्याग कर चल दी। हालांकि उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे किंतु वो एक भिखारिन होते हुए भी सेठ से आज महान थी। आज सेठ भिखारी था और वो दाता थी, क्योंकि आज उसने एक नगर सेठ को उसका वंशज दान किया था।